यहाँ पे काफी लोगों का कहना है कि इस डिवाइस में जो न्यू अपडेट आया है इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको ये जानना है कि क्या क्या चेंजेस हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर आपके पास भी ये वन प्लस का डिवाइस है तो इसमें आपको न्यू अपडेट जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस वीडियो पे वही देखेंगे। ऑलरेडी मैं जो वीडियो दिया था यहाँ पे 3 डिवाइस का जो अपडेट आया था वन प्लस के सीरीज का, मैंने आपसे वो चीज शेयर किया था। लेकिन यहाँ पे लोग ये जानना चाहते हैं कि इस डिवाइस में जो न्यू अपडेट आया है इसका एक पर्टिकुलरली वीडियो, तो जिसमें जो है हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे फाइनली जैसे कि यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं ये अपडेट आपको शो ऑफ हो जाएगा। अगर आप अपने फोन का जो सेटिंग पे जाओगे वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट करके। अगर आपके फोन पे ये अपडेट आ रहा है तो सही है, अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है कोई भी ऐसे अपडेट आपको फोन को एक बार रिबूट रिस्टार्ट करके देखना है, या फिर आपको अपने डिवाइस को एक बार ऑन ऑफ करके छोड़ देना है। यहाँ पे जो है एक दो रोज का जो है टाइम के बाद हो सकता है कि आपके डिवाइस में शो ऑफ ये अपडेट हो जाए। इस अपडेट का अगर स्टोरेज का बात करें, यानी जो है ये अपडेट जो है कितना MB ले सकता है आपके फोन पे अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो। ये अपडेट जो है स्पेस लेने वाला है आपके डिवाइस, यहाँ पे नेट MB जो लेने वाला है वो लेने वाला है 1.49 MB, यानी जो है 1.5 GB का ये अपडेट आया हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप जो है इससे पहले वाला अपडेट अगर इंस्टॉल किए थे तो उसमें कुछ MB का ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा साइज का MB आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन हो सकता है कि आपके डिवाइस में ये अपडेट कुछ कम MB का मिले, कुछ अगर कम MB का देखने को मिल रहा है कौन सा अपडेट है, इसके लिए आपको क्या करना है स्क्रीन शॉट लेके मैंने इंस्टा पे शेयर करना होगा जिसमें आपको समझा पाऊंगा। आपको कमेंट पे जरूर बता देना कि कितना MB का है और ये अपडेट मिला है या नहीं। इस अपडेट का अगर यहाँ पे चेंजेस का बात करें, यानी जो अपने फोन पे अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस जो बात करें यहाँ पे जो फोन का जो परफॉर्मेंस है उस चीज को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, यानी जो है अब आपका फोन का जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो हाई आपको देखने को मिलेगा जैसे आप इस्तेमाल करोगे तो। ओके, एंड यहाँ पे सेकेंड जो अगर चेंजेस का बात करें, सेकेंड जो चेंजेस आपको देखने को फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया है, फोन को सिक्योर किया गया है पहले से ज्यादा, ताकि आपके फोन कोई और पर्सन कहीं से हैक हुक ना कर पाए, आपके डाटा को छेड़खानी ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे क्या किया है सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया गया है। वैसे यहाँ पे देखा जाए वन प्लस का चाहे ओल्ड डिवाइस हो चाहे न्यू डिवाइस हो, सब में जो है वन प्लस का टीम जो है न्यू अपडेट रिलीज करते रहता है, सिक्योरिटी चीज को लेकर ज्यादा यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर पे रखा है वन प्लस का जो कंपनी है, वो अपने यूजर्स को बहुत ही सेफली रखता है। नेक्स्ट जो कुछ यहाँ पे डिवाइस में कुछ लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता था, क्या होता था कि डिस्प्ले का लाइट ऑफ रहता है और रिसेंटली उसके सामने जैसे डिस्प्ले पे लाइट लेके आता है उसके सामने जो कीवर्ड जो है वो अपने आप जो है स्लाइड होके आ जाता है। यहाँ पे एक इशू था जिस चीज को यहाँ पे फिक्स किया गया है। ये अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता था अब जो है इस अपडेट के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है कंप्लेन किया था, मैं खुद जो है ट्विटर पे बहुत ज्यादा कंप्लेन किया था क्योंकि काफी ज्यादा लोग मुझे मैसेज किए थे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैं जो है लोगों से यहाँ पे जो है बताते रहता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। अगर आपके साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टा फेसबुक जाके फॉलो करना है और आपको मैसेज कर लेना है कहीं पे भी। ओके, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पे कंप्लेन करने के बाद फाइनली इस अपडेट में जो है ये जो है कीबोर्ड का स्लाइड करके जो आता था उस चीज को यहाँ पे बीमारी को खत्म किया है। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखने को मिलता था कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी म्यूजिक प्ले आप नहीं कर सकते थे, जैसे ही कोई भी म्यूजिक अगर आप प्ले करने का होता था प्ले करते थे जैसे ही प्ले करते थे वो कट हो जाता था, सपोर्ट नहीं करता था। उस चीज को भी यहाँ पे खत्म किया है, अब जो है आसानी से आपके फोन पे ये चीज जो है सपोर्ट करेगा, यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट का अगर बात करें कम्युनिकेशन को लेके, फोन का जो यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्शन है उस चीज को यहाँ पे सही किया है, यानी इम्प्रूवमेंट किया गया है। दूसरा है ब्लूटूथ कनेक्शन को लेके, ब्लूटूथ कनेक्शन एंड वाईफाई में जो प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे सही किया है, अब ये जो है कनेक्शन आपका हमेशा सही रहेगा, कोई भी आपको जो है दिक्कत नहीं देगा जब भी आप इस वीडियो को छेड़खानी करेंगे तो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो चेंजेस का बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात करें कैमरा का, ओके यहाँ पे नेक्स्ट जो है कैमरा का, यानी जो है कैमरा फाइंडर पे क्या होता था कि कोई अलग अगर एप्स पे आप जो है कोई भी यहाँ पे जो है गैलरी के जरिए से आप जो है कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे कोई फोटोज अगर आपको सिलेक्ट करना होता था वो रिसेंटली ओपन नहीं होता था, यानी कट जाता था अनरिस्पॉन्सिबली करके देखने को मिल जाता। उस चीज को यहाँ पे खत्म किया है, अब जो कोई भी एप्लीकेशन से इस फोन के गैलरी वाले फीचर्स पे आप जा सकते हैं जहां से आपको फोटो वोटो एडिट करने का ऑप्शन रहता है, काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो नहीं होता था लेकिन अब होगा। नेक्स्ट जो है इस चीज का यहाँ पे इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, रियर कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों कैमरा का यहाँ पे क्वालिटी को
इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिससे कि आपके फोन का फोटोज कोई भी फोटोज वीडियोज लोगे उसका क्वालिटी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सो आपको ये अपडेट जरूर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इस अपडेट में कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब हो अगर, तो आप जो है कमेंट करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। एंड इस अपडेट को जो है इंस्टॉल करने के लिए कोई भी डाटा वाटा बैकअप करने का कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, आप आसानी से नॉर्मल तरीके से अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए फोन का जो सेटिंग है वहाँ पे आना है, अबाउट वाला सेक्शन पे आना है, वहीं पे आपको शो ऑफ हो जाएगा, या फिर फोन का सेटिंग भी जाओगे टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट करके, जहां से इस अपडेट को अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। 1.5 GB का रहेगा, ओके, इंस्टॉल जरूर कर लेना है। सो गाइस, ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए इस अपडेट का ये सब चेंजेस एंड ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप जो है सोच रहे हैं कोई और न्यू फीचर्स के बारे में, सो अभी जो है इस फोन पे न्यू इस अपडेट पे कोई भी न्यू फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट जो था मैंने आपसे यहाँ पे शेयर कर दिया। सो हर एक अपडेट के लिए, हर एक जानकारी करने के लिए, अगर आपको इसी तरह ऑथेंटिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। OnePlus का रिलेटेड हर एक एंड हर समय आपको वीडियो इस चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहेगा एंड हमेशा आपको मिलते रहेगा। जस्ट इस वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम ग्रुप पे, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना है।